परीक्षित महाराज जी आ जाए, कहाँ हैं? आज परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र जनमेजय जी का राज तिलक करवाया। करवाने के बाद में खुश हुआ, इधर तक्षक चला फूल का रूप बना के। अब तक्षक जब फूल का रूप बना करके चला तो तक्षक परीक्षित महाराज के पास में पहुंचा। परीक्षित महाराज नहीं समझ पाए कि तक्षक है या फूल है। परीक्षित महाराज ने फूल समझ के उठाया, अपनी नाक से लगाया। तैसे ही तक्षक ने परीक्षित की नाक में डस लिया। नाक से लगा के पीछे फेंक दो, फेंक दो पीछे, फेंक दो पीछे। अरे इधर इधर आओ, इधर आओ आप। हाँ, अब ये स्थान छोड़ के आप चले जाओ। बोले गोविंद भगवान की। और जैसे ही तक्षक ने परीक्षित की नाक में डसा, तैसे ही महाराज आज परीक्षित महाराज वही मूर्छा खा करके गिर पड़े। भगवान का विमान आए, परीक्षित महाराज को अपने विमानों में बैठाला, बैठाल करके आज परम धाम को चले गए। ऐसा ही नहीं, भाव से। अब सभी भाई लोग थोड़ा साइड से हो जाओ।